आई नो जो मैंने तुम्हारे साथ किया उसके बाद मुझे तुमसे माफी मांगने का कोई हक नहीं है। तुम्हें भी मुझे माफ नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं आज आप सबके सामने अनेका से माफी मांगना चाहता हूं। I'm sorry, अनेका। तो अनेका, मिस्टर ओबेरॉय ने ऐसा क्या किया कि आपसे माफी मांग रहे? अरे प्यार मुझसे तो शादी किसी और से कैसे? उस लड़की को अपना रहा है तो शिवाय सिंह ओबेरॉय की हो चुकी है, अब ये शादी नहीं होगी। शादी करनी पड़ेगी तुम्हें मर्जी से या मजबूरी से। शिवाय और मेरे बीच जो कुछ भी हो वो हमारे बीच की बात है और वो हमारे बीच ही रहेगी। दुनिया को उससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। माफी मांगे बिना ही भाग रहे हो अन्ना, निकाल फेंको इसे घर से। आप लोग भी जा सकते हैं, जस्ट मेक श्योर ये आदमी किसी को मुंह दिखाने लायक ना रहे। ले जाओ इसे खाना। ये तुम ठीक नहीं कर रहे हो शिवाय, इसका बदला मैं जरूर लेके रहूंगा। यू लाइक टू पे फॉर इट। तक्ष कपूर वापस आएगा। चलो चलो, आई विल कम बैक फॉर यू। मेरी बच्ची, उस खस्मा खाने को रब जरूर सजा देगा। अरे वाह, मुझे नहीं पता था कि हमारी प्रियंका इतनी स्ट्रांग है। हाँ हाँ, बहुत बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। मतलब क्या थप्पड़ मारा कि वो ऊपर से नीचे गिर गया था। मजा आ गया। अच्छा गया तुम। ये हिम्मत मुझ में शिवाय भैया और अनिका भाभी की वजह से आई, क्योंकि दक्ष की सारी सच्चाई उन्होंने मुझे पहले ही बता दी थी। क्या? तुझे सब कुछ पहले से पता था? हाँ। ये सब कब हुआ? अब बताएगा भी? दक्ष को एक्सपोज करने का प्लान तूने कब और कैसे बनाया? मैंने नहीं, हमने, मैंने और अनिका ने। ये सब पॉसिबल हो पाया है अनिका की वजह से। अगर अनिका हमारी हेल्प नहीं करती तो हमें दक्ष की असलियत नहीं पता चलती और शायद शायद प्रियंका की जिंदगी बर्बाद हो जाती। अनिका मुझे दक्ष के खिलाफ वॉर्न करती रही, लेकिन मैंने उसकी एक नहीं मानी। फिर जब कल उसके कपड़ों में मुझे मेरा कफलिंग मिला जो खोया हुआ था, मुझे अनिका की बात फिर से याद आई। उस दिन जब मैं प्रियंका की ड्रेस पायल के घर लेने गई तो वहां दक्ष था। उसने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। नहीं शिवाय, कुछ तो जरूर हुआ है उस लड़की के साथ। कोई भी लड़की बिना बात पे इतनी बड़ी बात नहीं कहेगी। मेरा कफलिंग उसी दिन खोया जब मैं पायल के घर प्रियंका की ड्रेस लेने गया था, और उसी दिन अनिका ने मुझे और दादी को बताया था कि पायल के घर दक्ष ने उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। फिर कल जब इत्तेफाक से मुझे वही कफलिंग फिर से मिला, मैं उसी वक्त अनिका से जाके पूछना चाहता था कि तभी प्रियंका कोमा से बाहर आई और उस वक्त मुझे और कुछ नहीं सोचा। मैं अनिका से जाके बात भी करना चाह रहा था, लेकिन
गिल्ट के मारे हिम्मत ही नहीं हुई। अनिक, कुछ नहीं, मेरा मन मान गया था,